मौजूदा विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी भी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग उस समय हुई थी 2004 के आसपास था, जब कृष्णा राय की हत्या हुई थी। सर उस पर क्या कहेंगे आप? जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई, मुख्तार अंसारी फतेहगढ़ जेल में अपने को ट्रांसफ़र करा लिया था, गाजीपुर जेल में थे अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन जब प्लान किया तो अपने को ट्रांसफ़र करा लिया फतेहगढ़ जेल में। और गोली चलने लगी, इसको तो जेल में सब सुविधाएं रहती थी, इसके पास मोबाइल था सब कुछ। ये जब कृष्णानंद पर राय पर गोली चल रही थी, मार दिए गए, इसको बताया गया कि गोली चल रही है, तो अपने की खुशी को रोक नहीं पाया और इसने जेल में अभय सिंह जो थे उनको फ़ोन मिला लिया भोजपुरी भाषा में, अरे मुन्नवा ने मार दिया। कृष्णानंद राय को उसकी चुटैया भी काट लिया। तो ये जो है एसटीएफ ने इसका सर्विलांस पर रखा था, लीगली सर्विलांस पर रखा था, वो रिकॉर्ड हो गया और वो एक बहुत बड़ा एविडेंस है। लेकिन दुखद यह रहा, कृष्णानंद राय का केस उस समय चला जब मुख्तार अंसारी का असर होता था और उसमें तीन जो महत्वपूर्ण गवाह संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए और उनके एक परिवार के लोग कुछ ऐसे थे जो इसने ऐसा डरा दिया कि गवाही नहीं दे पाए और केस में छूट गया। तो आप थे ब्रिजलाल जी जो कि वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व डीजीपी हैं, उन्होंने किस तरह से विस्तार से ये जो समाज के अपराधी हैं, जो समाज के दुश्मन हैं, उनके बारे में बताया। आप बने रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24 के साथ।